बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने डिस्कस करना है वो है हमारे प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एनिमल टिश्यूज़ की हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं। आज जो हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो हमारे प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में से जो हमने पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं सिंपल टिश्यूज़ एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ और सेकेंड को हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। ठीक है, सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़ प्लांट टिश्यूज़ की टाइप्स हैं। उसमें से जो सिंपल टिश्यूज़ हैं, सिंपल टिश्यूज़ की भी फर्दर आगे 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लांट की फर्स्ट टाइप यानी सिंपल टिश्यूज़, सिंपल टिश्यू की भी फर्स्ट टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ हम जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, खास होते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एज़ इन एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ की तरह द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज़। जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो भी एक ग्रुप में टिश्यूज़ बनाते हैं विद करेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट। यानी जो फोटोसिंथेसिस वाले सेल्स हैं वो सारे सेल्स मिलके जो टिश्यूज़ बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस का एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह जो ट्रांसपोर्ट के सेल्स हैं वो मिलके जो ट्रांसपोर्ट के टिश्यूज़ बना रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बना रहे हैं, वो भी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं यानी कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है टिश्यूज़ की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ को सिंपल टिश्यूज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यूज़ एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होते हैं। अब फर्स्ट कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं, सिंपल टिश्यूज़। द टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये डेफिनेशन है सिंपल टिश्यूज़ की। ऐसे टिश्यूज़ जो एक ही तरह के टाइप के सेल से मिलके बने हों उन्हें हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज़। आगे सिंपल टिश्यूज़ की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। उसमें से हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दीज टिश्यूज़ आर कम्पोज्ड ऑफ सेल्स। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से मिलके बने हैं, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अब इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्यों कहा गया है, कि इनमें डिवाइड होने की काबिलियत होती है। ये वाले सेल्स जो हैं, ये वाले टिश्यूज़ जो हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब ये डिवाइड होंगे तो हमें इसकी लोकेशन भी समझ आ जानी चाहिए कि ये कहाँ पाए जाते हैं। जो प्लांट्स के डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं, डिवाइडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये वहाँ पे पाए जाएंगे, जैसे एट द टिप ऑफ शूट और रूट्स। ठीक है, द सेल्स हैव थिन वॉल्ड। अब ये जो है थिन वॉल्ड होते हैं, हैव लार्ज न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, एंड स्मॉल और नो वैक्यूल्स, ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनमें या तो बहुत छोटा या फिर वैक्यूल नहीं होते। जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर होंगे। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनके सेल्स के दरमियान में खाली जगह भी नहीं होती। 2 मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट्स। अब 2 तरह के टिश्यूज़ जो है मेरिस्टेमेटिक हैं, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, इनको मज़ीद क्यों डिवाइड किया गया है, कि ये प्लांट्स में डिवीजन के तौर पर, यानी वो वाले टिश्यूज़ जो प्लांट्स में लेंथ में इंक्रीज़ करेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ मीन्स के लेंथ में जिसको इंक्रीज़ करेंगे हम उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स कहेंगे, और वो वाले टिश्यूज़ जो प्लांट्स की विड्थ में यानी चौड़ाई, डिवाइड होकर प्लांट को चौड़ाई जिसकी इंक्रीज़ करेंगे हम उसको लेटरल मेरिस्टम कहेंगे। ठीक है, एपिकल यानी एपिक्स पे, टिप पॉइंट्स पे पाए जाएंगे जो टिश्यूज़, आर लोकेटेड एट दी एपिसिस टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, रूट एंड शूट्स की जो टिप्स पे पाए जाएंगे टिश्यूज़, ये डिवाइड होंगे और इनको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। व्हेन दे डिवाइड दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। जाहिर सी बात है, जब ये टिप्स पे हैं तो जब ये डिवाइड होंगे, ग्रोथ करेंगे प्लांट की, तो प्लांट क्या करेगा, लेंथ में इंक्रीज होगा। और ऐसी ग्रोथ जो क्या करे, प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करे, ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज़ करे, लंबाई में प्लांट को ग्रोथ करवाए, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ। और वो वाले टिश्यूज़ जो हैं एपिकल मेरिस्टेम कहलाती हैं। सेकंड वन हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम, आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट एंड शूट्स। अब रूट एंड शूट्स की टिप्स के अलावा जो बाकी साइड होती हैं, लेटरल साइड्स होती हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके डिवाइड होने से प्लांट्स कैसे होगा, चौड़ाई में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज़ इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब ऐसी ग्रोथ जो प्लांट के जो है विड्थ को इंक्रीज़ करे, वो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जो लेंथ को इंक्रीज़ करे उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जो विड्थ को इंक्रीज़ करे उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, यानी वेस्कुलर कैम्बियम, जो जाइलम एंड फ्लोइम के दरमियान में टिश्यूज़ पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, और जो कॉर्क कैम्बियम है इन दी आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट, प्लांट के आउटर लेटरल साइड में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम के जरिए से हम लोग समझ लेते हैं।
हमने कहा कि रूट कैप यानी ये रूट टिप है, रूट टिप और इसी तरह की शूट टिप्स पे जो टिश्यूज़ पाए जाएंगे जो डिवाइड होंगे और इस तरह लेंथ में जब इंक्रीज़ करेंगे तो हम उनको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, और ये कौन सी कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। अगर हम सेकेंड की बात करें, हमने कहा कि जो प्लांट्स की विड्थ में पाए जाते हैं यानी जो प्लांट्स को ये इस साइड पे और इस साइड पे इंक्रीज़ करवाएंगे इसकी चौड़ाई में, हम उसको कहते हैं सेकेंड को हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। अब हमने कहा कि लेटरल मेरिस्टेम दो टाइप की होती हैं, ये सारा पोर्शन फ्लोइम का है और ये जाइलम का। हमने कहा जाइलम एंड फ्लोइम के दरमियान ये जो लाइन है, ये वाले जो टिश्यूज़ हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम कहलाते हैं। सेकंड हमने कहा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है ये कॉर्क से इन अंदर साइड पे पाए जाते हैं, जब ये इंक्रीज़ करेंगे तो प्लांट की जो विड्थ में इंक्रीज़ होगा और इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और टाइप है हमारे पास, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस अमंग द मैच्योर टिश्यूज़। इंट्राकेल्युलर मेरिस्टेम जो है ये कुछ स्मॉल पैचेस की शक्ल में मैच्योर टिश्यूज़ के दरमियान में पाए जाते हैं। दीज आर कॉमन इन ग्रासेस, ये ग्रासेस में आम होते हैं एंड हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स। अब ये क्यों ग्रासेस में पाए जाते हैं, जब एनिमल्स जो हैं ग्रासेस को खाते हैं और वो दोबारा से उनको क्या कर देते हैं, रीजनरेट उन पार्ट्स को कर देता है, तो ये वाले जो मेरिस्टेम हैं ये भी ग्रोइंग पॉइंट्स हो गए और ये क्या है, पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं मैच्योर टिश्यूज़ के दरमियान में, जब वहाँ से उनको हर्बीवोर्स खा लेते हैं तो ये दोबारा डिवाइड होकर उसको रीजनरेट कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़े, प्लांट टिश्यूज़ की फर्स्ट टाइप सिंपल टिश्यू और उसकी नेक्स्ट फर्दर फर्स्ट टाइप जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिंपल टिश्यूज़ की जो सेकंड टाइप है परमानेंट टिश्यूज़ और मज़ीद जो रहते हैं कंपाउंड टिश्यूज़ इसको पढ़ेंगे। आपने ये टॉपिक बुक से पढ़ना है अच्छे से और इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।